नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 10/8/2021 और 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 पोर्शन हो चुका है। रिवीजन के लेक्चर चल रहे हैं। आज मैंने कि प्रश्न संग्रह क्या कहा था आप लोग बताइए, कौन सा प्रश्न संग्रह करने वाले हैं आज हम लोग? 1.4 करने वाले। यस, तो आप लोग तैयारी करके आए हो ना? चलो अच्छी बात है, तो फिर शुरू करते हैं। 1.4 किताबें हैं आप लोग के पास? अच्छा ठीक है, नई भी है तो क्या करता हूँ मैं, सवाल लिख दूंगा तो फिर आप लोग उससे कर सकते हो। तो 1.4 रिवीजन शुरू करते हैं। का ये पहला सवाल देखो बेटा, ये सबको आना चाहिए, बहुत आसान सवाल है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक कल हम लोग ने किया था लेकिन आज मैं वापस करा दे रहा हूं। तो ये पहला सवाल कल हमने किया था लेकिन मैं वापस करा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है, सब लोग बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ये सवाल सबको आता है? तो मैं जिसको बोलूंगा वो करके दिखाएगा। चलो, कुणाल की आईडी से कौन जुड़ा है? कुणाल, कुणाल की आईडी से कौन जुड़ा है? हाँ बेटा करके दिखाओ। सोनाली, क्या नाम है? सोनाली। हाँ बेटा ये सवाल आता है बेटा। कैमरा खराब है आपका? अच्छा ठीक है, फिर किसी और को बोलना पड़ेगा। कौन करेगा? अच्छा बताओ, आप ही बताओ कौन करेगा, जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। बाकी सब लोग करो ये सवाल, जल्दी करो सब लोग। रितिका कैमरा बंद है आपका? एन ऑफ ए प्लस ट्वेंटी नाइन, हाँ एन ऑफ ए यूनियन बी 29 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 था। हो गया रितिका?
ठीक है। हाँ जरा देखूँ, एक मिनट। पहला स्टेप दिखाओ, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप अपनी नोटबुक थोड़ा आड़ा कर लो तो पूरा फुल स्टेप दिखाई देगा। हाँ यस, अब बराबर है। हाँ, हटा दो वहां से। अरे उड़ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, रखो। हाँ तो एन ऑफ बी -29 प्लस 15 -7 तो बराबर 0 करो इसको। एन ऑफ बी -29 प्लस 15 -7 बराबर 0 लिखो वहां पे। लिखा कि नहीं? हाँ बराबर 0। उधर नहीं बाबा, थर्ड, ये नीचे, उसके नीचे वाली लाइन में मैंने बोला, उसके नीचे वाली लाइन में। वो आपने गलत जगह पे लिख दिया बराबर 0। तीसरी लाइन में देखो, आपने बराबर कहीं लिखा ही नहीं है। तीस उसके ऊपर, उसके ऊपर। हाँ बराबर 0। हाँ फिर एन ऑफ बी बराबर, और कैसे लिख कर रही हो बेटा ये? नहीं बेटा ये सही नहीं है, गलत है बेटा ये। रितिका सॉरी, गलत है ये। क्या गलत है अभी हम लोग देखते हैं। मैं करके दिखाऊं इसको? चलो मैं करता हूं। पहला स्टेप तो एकदम सही लिखा रितिका आपने, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 29 है। फिर बराबर एन ऑफ ए 15 है। एन ऑफ बी हमें पता नहीं है तो वैसे ही लिखना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 था। अब देखो एकदम सिंपल सा स्टेप है ये, 15 माइनस 7 कितना होता है? 15 माइनस 7 8 हो जाएगा। 15 माइनस 7 8 हो जाएगा। फिर प्लस एन ऑफ बी वैसे ही लिखिए, ये 8 ये साइड में आके माइनस हो जाएगा। 29 माइनस 8 करोगे तो 21 आ जाएगा, तो इसलिए एन ऑफ बी बराबर 21। देखा आपने? ऐसे करना है आपके स्टेप्स गलत थे बेटा, सुधार लो उसको। चलो तो एक सवाल हो गया। अब हम लोग पांचवा सवाल, इसके वर्ड प्रॉब्लम बाद में देख लेते हैं। पांचवें सवाल में देखो, ये आकृति दी गई है, इस आकृति के आधार पर ये सारे आंसर लिखने हैं। ये सब समुच्चय लिखना है, समुच्चय ए लिखो। अच्छे से नहीं दिख रहे हैं बेटा? ये आकृति है जिसमें देखो ये समुच्चय ए है, जिसमें एक्स वाई एम एन जेड है। ये समुच्चय बी है जिसमें क्या आ रहा है? पी क्यू आर एम एन है। फिर देखो ये समुच्चय यू है, यू समुच्चय यू में क्या है? एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये यू में है। अगर कोई बोले ए यूनियन बी, जैसे ये ए यूनियन बी का मतलब क्या? पूरा ए और बी मिला करके, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये ए यूनियन बी हो गया। फिर देखो ए डैश का मतलब, ए डैश का मतलब कि ए को छोड़ दो, ये ए के अंदर जो भी है सब हटा दो, बाकी जो बचा वो ए डैश, पूरा ए मिटा दो। समझे? ए डैश का मतलब ए के अंदर जो भी है वो सब छोड़ के बाकी सब जो है वो ए डैश में है। बी डैश का मतलब बी डैश के बी में जो भी है वो सब छोड़ करके बाकी सब जो है वो बी डैश है। ए यूनियन बी डैश का मतलब ए और बी में जो भी आ रहा है वो सब छोड़ करके बाकी
क्या बचेगा? ए और बी पूरा मिटा देंगे तो एस और टी, ए यूनियन बी डैश एस कॉमा टी आएगा। तो ये आप लोग करोगे इसको, जल्दी जल्दी करो फिर मुझे दिखाओ, पहले आपको कर लो फिर दिखाओ। ए किसने लिखा? ए, ए किसने लिखा अभी तक? मैंने मतलब कौन? दिखाओ बेटा ए अपना, क्या लिखा ए में दिखाओ। ए में आपने लिखा है एक्स वाई जेड एम एन, बराबर है, लेकिन ब्रैकेट सही नहीं बनाया बेटा। ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाने का तरीका सही नहीं है। मैं ब्रैकेट कैसे बनाते हैं बताऊं आपको? देखो ब्रैकेट बनाना है, जैसे एस बनाने आता ना एस, ऐसे एस बनाओ फिर यहां से टू बना दो, टू 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 एस टू, फिर इधर कैसे करो, इधर उल्टा कर दो, टू ऊपर बना दो, ये ऊपर टू बना दिया और नीचे एस बना दिया, टू एस और यहां पे एस टू, समझे बेटा? ब्रैकेट बना के दिखाओ, आप ब्रैकेट दिखाओ बेटा बना के। कैमरा ऑन करो, दिखाओ कैसे बनाते हो ब्रैकेट। हाँ एस टू, फिर बंद कैसे करोगे? टू हाँ एस, हाँ आप थोड़ा ठीक है, अब ठीक है, तो ब्रैकेट सही बनाओ बेटा। अच्छा बी कौन लिखा है? बी आपने ही लिखा, दिखाओ कैसे लिखा है, लेकिन ब्रैकेट बराबर होना चाहिए। हाँ बी, बी के अंदर क्या है? पी क्यू आर एम एन, P Q R M N, लेकिन ब्रैकेट सही नहीं है बेटा, ब्रैकेट सही से बनाओ, ब्रैकेट कट करो अभी, सही करो ब्रैकेट। एक मिनट बेटा इनका देख लूं ब्रैकेट, ठीक है। कौन बोला, किसका हो गया? हाँ हयात दिखाओ बेटा, ए के अंदर क्या लिखा है आपने? एक्स वाई जेड एम एन, बराबर है। बी के अंदर पी क्यू आर, बेटा स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल क्यों लिख दिया आपने? डायग्राम में देखो ध्यान से, सब लेटर स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं लिखना है कहीं पर भी अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो आपने लेटर तो सही लिखे हैं लेकिन कैपिटल लिख दिए हैं, ये गलती कर दिया है आपने। हाँ स्मॉल लिखना रहेगा, जेड पी क्यू आर एम एन एस टी, ए डैश में क्या आ गया? पी क्यू आर एस टी, हाँ बी डैश में एक्स वाई जेड एस टी, सब सही लिखा है बेटा, बट अंदर जहां भी कैपिटल लेटर है ना उसको स्मॉल कर देना, बाकी सब सही है।
ठीक है। और कोई किया है क्या ये सवाल? दिखाओ क्या नाम है बेटा? एक एक पहले ये दिखाओ अपना, पहले ये दिखाओ। एक्स वाई जेड एम एन भी आएगा बेटा, एम एन भी तो एक के अंदर ही है ना, डायग्राम में देखो। हाँ बी बी दिखाओ, बी में क्या है? पी क्यू आर एम एन बराबर है। ए यूनियन बी में क्या है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन बराबर। और क्या है आगे? यू यू दिखाओ जरा मुझे। यू दिखाओ ठीक से। हाँ एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी, वेरी गुड, यू भी बराबर लिखा है। तो ए डैश तब तक आप पूरा करो बेटा, किसी तब तक किसी और का चेक कर लो। किसका पूरा हो चुका है? आदर्श रामबरन की आईडी से कौन है? आदर्श ना, हाँ मनीष ना। आज मैंने ईयरफोन नहीं पहना इसलिए आपकी आवाज, आप लोगों की आवाज स्लो आ रही है बहुत। ए एक्स वाई जेड एम एन बराबर, बी क्या है? पी क्यू आर एम एन। ए यूनियन बी में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, यू में एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ए में क्या है? पी क्यू आर एस, एक मिनट थोड़ा सा, ए डैश, ए डैश लिखो बेटा, ए क्यों लिख रहे हो? ए डैश है, डैश में पी क्यू आर एस टी आएगा, पी क्यू आर एस टी ए डैश। फिर क्या? बी डैश, बी डैश में एक्स वाई जेड एस टी, फिर ए यूनियन बी डैश, उसमें सिर्फ एस टी आएगा। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश। और किसी ने किया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? ऐसा कोई भी नहीं, ठीक है। चलो ये वर्ड प्रॉब्लम में एक सवाल कर लेते हैं, कोई भी एक सवाल करते हैं, चलो दूसरा वाला ही कर लेते हैं। एक छात्रावास में 25 विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो एक भी पेय ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन करेगा ये सवाल? कोई करेगा? हाँ नहीं, अभी हयात दिखा रही है, हयात हयात वीडियो ऑन करो। हयात कुछ दिख नहीं रहा है, आप क्या कर रही हो क्या नहीं? वीडियो आपका ऑफ है।
नहीं बेटा, वीडियो आपका चालू ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा है। एक अच्छा, ये सॉरी, खैरून खैरून की आईडी से जुड़ी हो ना आप? अच्छा, मैं किसी और का देख रहा था इसलिए नहीं दिख रहा था। हाँ, अभी दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। चलो, NFT 80 है, NFC 60 है, T intersection C 20 है, NFA यूनियन B 125 है। परफेक्ट। नहीं बेटा, NFA यूनियन B 125 नहीं है। ये जो 125 है, इसको आप एन ऑफ ए यूनियन बी में नहीं ले सकते। यहां ये गलती किया है आपने। हाँ, वो एक्चुअली विश्व समुच्चय हो जाएगा, एन ऑफ यू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि, हाँ, एन ऑफ यू 125 आएगा, एन ऑफ यू। छात्रावास में कुल विद्यार्थी वो विश्व समुच्चय हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, क्या दिया है, पहले वेन आकृति से आप समझ लो। ये मान लो कि चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। मैं इसको बड़ा कर दूं पहले। चाय पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 80 हैं। यानी एन ऑफ टी कितने? 80 हैं। फिर क्या बोल रहा है कि 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं। कॉफी को अगर सी मान लेते हैं तो एन ऑफ सी हो गए 60। 20 विद्यार्थी दोनों पीते हैं। ये जो पार्ट है दोनों में है, तो दोनों का मतलब क्या? टी यूनियन यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन सी जो है 20 हो गया। अब वहां पे क्या बोल रहा है कि एक भी पेय ना पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे विद्यार्थी ज्ञात कीजिए जो ना चाय पीते हैं, ना कॉफी पीते हैं, ना टी में है, ना सी में है, बाहर हैं। तो किसी भी सवाल में जब ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी समुच्चय में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें जो टोटल होता है वो आपका विश्व समुच्चय होता है। ये जो 125 दिया है वो आपका एन ऑफ यू हो गया, क्योंकि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो टी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो कोई एक छात्रावास में जो कुल 125 विद्यार्थी हैं वो एन ऑफ यू हो गए। अगर ये विद्यार्थी ये नहीं होते, अगर सब लोग या तो टी या सी में ही रहते, तो ये आपका टी यूनियन सी हो जाता। इसी को हम लोग टी यूनियन सी लिख देते। कब? अगर सब लोग टी या सी में होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना टी पी रहे हैं ना कॉफी पी रहे हैं, तो इसलिए ये जो टोटल संख्या है वो यू हो जाएगी। यहां टी यूनियन सी नहीं लिख सकते। हयात यहीं पर गलती कर रही। समझ में आई गलती बेटा आपको? अब यहां पे फार्मूला लिखना पड़ेगा, एन ऑफ टी यूनियन।
क्या एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो हमें पता नहीं है, एन ऑफ टी 80 है, एन ऑफ सी 60 है और ये 20 है, तो ये 140 माइनस 20 120 हो गया, ये टी यूनियन सी 120 हो गया ये टोटल। तो आप ये एन ऑफ यू में से टी यूनियन सी माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा ना, एक भी पे ना पीने वाले विद्यार्थी। कैसे करेंगे, एन ऑफ यू से एन ऑफ टी यूनियन सी माइनस कर दो तो ये 125 था और ये 120। तो पांच लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं, ठीक है बेटा। अगली बार देखते हैं, अगली बार आप क्या करो, ये वापस से 1.4 के ये सवाल और प्रकृति संग्रह एक का जो एमसीक्यू है वो करके रखना। ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं मैं। कितने लोग हैं लेक्चर में, 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 लोग लेक्चर में, ठीक है बेटा। एक एक करके जाइए आप लोग।